हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अनमोल गुप्ता। आइए कुछ सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा मोबाइल के कुछ ऐसे कारण जिसकी वजह से हमारे मोबाइल की बैटरी बहुत कम चलती है। तो फ्रेंड्स, इस कारणों को क्या होता है कि इन कारणों से बैटरी की कुछ पावर कम हो जाती है, बैटरी की कुछ लाइफ कम हो जाती है और हमारे मोबाइल की बैटरी बहुत कम चलने लगती है। तो इन कारणों को जानें और इन कारणों से बचें जिससे कि आपका मोबाइल लॉन्ग लाइफ भी चले और बैटरी भी उसके लॉन्ग टाइम तक चले। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नंबर वन पे। तो नंबर वन पे आता है आपका मोबाइल चार्ज करते समय आपको फ्लाइट मोड नहीं लगाते हैं, जिसकी वजह से मोबाइल अपने नेटवर्क सर्च करता रहता है। सर्च करने की वजह से उसकी जो पावर होती है वो खर्च होती रहती है, उसके कारण मोबाइल सही से अपने बैटरी को फुल पावर के साथ चार्ज नहीं कर पाता है। और फ्रेंड्स, क्या होता है कि अगर आप फ्लाइट मोड लगा के अपना मोबाइल को चार्ज करते हैं तो मोबाइल आपका 20% जल्दी चार्ज होता है, और अगर आप मोबाइल को ऑफ करके चार्ज करेंगे तो उससे आपका लगभग 30-40% मोबाइल जल्दी चार्ज होगा। तो फास्ट चार्जिंग के लिए आप ये टेक्निक भी कर सकते हैं और इससे आपके मोबाइल भी की बैटरी भी अच्छी चलती है। तो जाते हैं नंबर दो पे। नंबर दो पे आता है मोबाइल को आप जब भी चार्ज करते हैं तो क्या करते हैं, आप 100% करते हैं। कई बार क्या होता है कि हम रात को सोने जाते हैं, अपने मोबाइल को चार्जर से लगा के चार्जिंग पे लगा देते हैं जिससे कि हमारा मोबाइल सुबह तक 100% तक तो हो ही जाएगा, लेकिन उससे क्या होता है कि हमारे मोबाइल की जो बैटरी है चार्ज होने के बाद भी उसमें कुछ पावर स्टॉक करती रहती है, जिसकी वजह से उसकी बैटरी पे बहुत सा इफ़ेक्ट पड़ता है। उस इफ़ेक्ट की वजह से हमारी बैटरी की लॉन्ग लाइफ थोड़ी शॉर्ट लाइफ हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे मोबाइल की बैटरी कम चलने लगती है। तो जाते हैं हम अब नंबर तीन पे। तो नंबर तीन पे है मोबाइल चार्ज करते समय आप उसका कवर ज़रूर निकाल दें, क्योंकि मोबाइल हीट करता है चार्जिंग करते समय, जिससे कि उसकी जो बैटरी का उसको टेम्परेचर चाहिए होता है उस टेम्परेचर को वो सपोर्ट नहीं कर पाता है। मोबाइल की बैटरी ज़्यादा जब मोबाइल हीट करता है आपको तो उसकी बैटरी सही से चार्ज नहीं हो पाती, इसीलिए मोबाइल का कवर निकाल के मोबाइल को चार्ज करें। अब जाते हैं नंबर चार पे। तो नंबर चार पे है लोकल चार्जर से कई बार क्या होता है कि हम लोग कोई भी चार्जर हमको मिला, बस हमको मोबाइल चार्ज करने से मतलब होता है, हम कोई भी चार्जर लेते हैं मोबाइल में यूज करने के लिए, उसमें लगा देते हैं, उसको चार्ज कर लेते हैं, जिससे कि उसकी बैटरी पर बहुत फ़र्क पड़ता है। बैटरी की पावर के हिसाब से उसका चार्जर बनाया जाता है जो आपके मोबाइल के साथ मिलता है। तो क्या होता है, उस चार्जर की वजह से वो बैटरी उसकी सही से चार्ज नहीं हो पाती है लोकल चार्जर की वजह से, और आपकी बैटरी लॉन्ग टाइम तक यूज नहीं कर पाते हैं आप, पहले ही डेड हो जाती है। उसके बाद नंबर पाँच पे जाते हैं। तो आप क्या करते हैं, कई बार आपका चार्जर होता है तो आप चार्जर होते हुए भी आप क्या करते हैं कि अपना USB निकाला और किसी भी लैपटॉप में लगा दिया या कंप्यूटर में लगा दिया जिससे कि आपका वो चार्ज हो जाए, लेकिन क्या होता है कि उससे वो सही से पावर उसको उतना नहीं दे पाता है जिस कैपेसिटी का उसको पावर चाहिए होता है मोबाइल में, तो मोबाइल की बैटरी को। तो क्या होता है कि इसकी वजह से मोबाइल की बैटरी हमारी बहुत लेट टाइम में चार्ज होती है, बहुत टाइम लगा देती है, जिससे कि आपका जो बैटरी पावर है अगर आपका मोबाइल में 2 घंटे चार्जिंग में लगता है तो उसकी वजह से 4 घंटे मोबाइल में लग जाता है चार्जिंग में, 50% तक स्लो चार्ज करता है। उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स की पावर बैंक पे। तो 6 नंबर पे है पावर बैंक। क्या होता है कि आप कई बार पावर बैंक से चार्ज करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स अगर पावर बैंक आप लेते हैं तो उसमें एक चीज़ ज़रूर नोट कीजिए कि उसकी जो USB केबल हो, उसका जो पोर्ट हो, उसकी चार्जिंग कम से कम 2 एम्पियर की होनी चाहिए। अगर 2 एम्पियर से कम होती है तो हमारे मोबाइल को सही से चार्ज नहीं करता है, बहुत स्लो चार्ज करता है, जिससे कि हमारे मोबाइल की बैटरी अच्छी नहीं चलती है। अब जाते हैं नंबर 7 पे। तो नंबर 7 पे आता है वायरलेस चार्जिंग। तो वायरलेस चार्जिंग कोई बुरी नहीं है, अच्छी है, अच्छा चार्ज करती है मोबाइल को, ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि अगर आपको फास्ट मोबाइल चार्ज करना है तो फास्ट मोबाइल चार्ज करने के लिए आपको USB केबल का ही यूज करना पड़ेगा। अगर आप वायरलेस चार्जिंग का यूज करते हैं तो उस यूज करने से आपका क्या होता है कि USB जो केबल होती है वो आपके मोबाइल को जल्दी चार्ज करती है, लेकिन जो वायरलेस चार्जर होता है वो कुछ एक्स्ट्रा टाइम लेता है। तो अगर आपको फास्ट चार्जिंग करनी है तो फास्ट चार्जिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली अपने मोबाइल को वायर के ही चार्जर से चार्ज करें। और नंबर 8 पे जाते हैं। तो नंबर 8 पे क्या है, USB केबल। तो फ्रेंड्स क्या होता है, कई बार हमारे मोबाइल की USB केबल ख़राब हो जाती है, तो मोबाइल ख़राब जब वो USB केबल ख़राब हो जाती है तो हम किसी भी मोबाइल की दुकान पे जाते हैं, कोई भी लोकल USB केबल ला के
मोबाइल को अपने चार्ज करने लगते हैं, उससे हमारे मोबाइल पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, मोबाइल की बैटरी की लाइफ कम हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इन 8 तरीकों से आप कर सकते हैं अपने मोबाइल को अच्छे से चार्ज और मोबाइल की लाइफ को लॉन्ग लाइफ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। हाँ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे कि मेरी नई वीडियो आपके पास पहुँचती रहे। और मैं इस तरीके की नई वीडियो बनाता रहता हूँ, रोज़ बनाता हूँ, अक्सर बनाता हूँ। तो क्या करना है आपको, नीचे सब्सक्राइब रेड कलर का बटन है उसको ज़रूर दबाइए, उसके आगे बेल आइकन है उसको क्लिक कीजिए, जिससे कि मेरी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचें और आप देखें। तो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद।